एंड दिस इज माय फेवरेट पार्ट, जब भी मैं चिकन बनाता हूँ ना, जब ये दही मिक्स करता हूँ, ये देखो। हाय गाइस, तो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए चिकन, और हम बनाने वाले हैं चिकन। बड़े ही सिंपल रेसिपी है। तो ये सरसों का तेल लिया है, जो कि मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं हम जीरा, थोड़ा सा जीरा डाल देता हूँ। तो जैसे ही जीरा तो हल्का सा पॉप अप करेगा, बारीक बारीक तीन प्याज काटने हैं। ये मैं 1 किलो 800 ग्राम चिकन का बना रहा हूँ, एक छोटा चिकन जो होता है 800 ग्राम का, वही बना रहा हूँ। और मैं भी आपको एक अच्छी सी एडवाइस दे देता हूँ कि कभी भी आप घर पे चिकन बना रहे हो ना, कुकर में या कढ़ाई में कभी भी, तो घर पे ना आप लोग छोटा चिकन ही मंगाया करो, मतलब 750-800 ग्राम वाला। अगर आप वो 1 किलो या उससे ऊपर का मंगाओगे ना, तो आपका चिकन जो है ना थोड़ा रबर टाइप बनेगा, कच्चा रह सकता है। तो वो इतनी जल्दी बड़ा चिकन ना घर पे अच्छे से पकता नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से सॉटे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर मिलता हूँ। तो ये देखिए, प्याज थोड़े से ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगा, और मैं सारा नमक डाल देता हूँ। जितना भी नमक डालते हैं ना हम सब्जी में, मैं सारा का सारा नमक प्याज लाल करने में ही डाल देता हूँ। तो मैंने ये डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैं जो मटन बना रहा हूँ ना, ये मैं सॉरी चिकन जो बना रहा हूँ ना, ये मैं उस स्टाइल से बना रहा हूँ जिस स्टाइल से मैं मटन बनाता हूँ। जी हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग जब चिकन बनाते हैं ना, तो पहले टमाटर प्याज का मसाला बनाते हैं और उसके बाद उसके अंदर चिकन डालते हैं। बट नहीं, मैं चिकन को प्याज के साथ अच्छे से भूनूंगा। तो ये सारा चिकन डाल दिया मैंने बढ़िया से। ये 800 ग्राम था, 800 ग्राम चिकन और तीन बारीक कटे हुए प्याज। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, और जब ये 50% डन हो जाएगा इसके साथ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा। देखिए, चिकन भी अच्छे से वाइट हो गया है, कलर चेंज कर चुका है, और इसका मतलब है कि अच्छे से भून रहा है ये। और अब टाइम है इसके अंदर हल्दी डालने का। हल्दी सिर्फ रंग के लिए नहीं होती, हल्दी जो है इसका एक अपना बेनिफिट है, इसीलिए डालते हैं हम। इसका एक अपना टेस्ट है, एंटीबायोटिक है, कोई वो वाली चीज़ नहीं है। इसको मिक्स कर देते हैं और इसको भुनेंगे अभी कम से कम 10 मिनट हो। तो ये देखिए कि चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है बढ़िया से, और चिकन जो है वो गलना भी स्टार्ट हो चुका है, और 50% डन हो चुका है मेरा चिकन। 50% इज रेडी नाउ, और नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के अंदर मैं बहुत ही कम चीज़ें डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कायनात का चिकन मसाला, मीट मसाला है, तो मैं मीट मसाला डाल दूंगा इसके अंदर। ये 1 चम्मच मैंने रेड चिली डाला है, ये हल्का सा, और मतलब 1.25 चम्मच, और 1 चम्मच डाल दूंगा धनिया पाउडर, और कुछ नहीं डाल रहा मैं इसके अंदर। ये डाला है, इसको करो मिक्स। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कायनात मीट मसाला, ऐसा ही चिकन मसाला भी आता है। तो ये मैंने मंगाया था जहाँ से चिकन लिया था, ये एक पैकेट डलता है 1 किलो के अंदर। तो ये 800 ग्राम है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैं ये पूरा पैकेट डाल रहा हूँ एक ही के अंदर, लाइक दिस। अब मेरे को इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। अब इसको करेंगे मिक्स। आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत ज़्यादा डाल दिए, जी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। अगर आपको बढ़िया सा चटपटा स्पाइसी मटन चाहिए ना, तो आप ऐसे ही डाल के बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब भी इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम पर आप इस पर 1 चम्मच फुल देसी घी डाल सकते हो फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। देसी घी मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं डाल सकता, तो इस टाइम पे 1 चम्मच डाल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए और खटास डालने के लिए इसके अंदर डलेगी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच दही थी,
उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया और ये डाल दूंगा। इससे जो ये स्पाइसी है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा, खट्टास आ जाएगी और काफ़ी रिच जो वो है, काफ़ी रिच ग्रेवी बन जाएगी इसकी, मतलब थिक वाली जो होती है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, जब भी मैं चिकन बनाता हूँ ना, जब ये दही मिक्स करता हूँ, ये देखो ये मैं उन बैचलर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ जो घर पे खाना बनाते हैं भाई लोग मेरे, और क्योंकि बहुत सारे यूके में हैं, यूएस में हैं, जो मेरे को मैसेज करते हैं ताकि मैं अपनी जो रेसिपीज़ है होम शेफ वाली वो कंटिन्यू रखूँ, ये स्पेशली उनके लिए मैंने बनाया है। ये देखो भाई, अगर पूरा रेसिपीज़ अगर आपको देखना है ना मेरा, मतलब कि और भी बहुत सारे रेसिपीज़ बना रखे जो, वो हमारे यूट्यूब चैनल दिल से फूडी ऑफिशियल पे है, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हो। लुक एट दिस, लग रहा है बढ़िया। अब ये डन हो चुका है, अब बारी है किस चीज़ की, ग्रेवी बनाने की। तो आप इसके अंदर पानी डाल के हल्का सा, और आप इसकी ग्रेवी बना सकते हो। मैं इस पर पानी डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा, बहुत कम डाल रहा हूँ, लाइक दिस, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं डाल रहा। और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक सीटी लगवाऊंगा और गैस बंद कर दूंगा। एक सीटी भी इसलिए ताकि जो ये ग्रेवी है वो पक जाए, कच्ची ना रहे, और मेरे जितने भी चिकन के मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। लीजिए जनाब, तो ये देखिए, अब मैं इसकी गैस निकाल रहा हूँ कुकर की, क्योंकि दो सीटी लग चुकी है और ज़्यादा नहीं लगाना चाहता क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा गल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी सीटी पूरी निकाल रहा हूँ। अब इसको बारी है खोल के चेक करने का, और इसको खोल देते हैं। टन टन टन, लुक एट दिस, वाओ, ग्रेवी देखो, इसे कहते हैं हम चिकन बढ़िया सा घर पे पका हुआ। लुक एट दिस, मैं जरा क्लोजअप दिखा दूं क्या, ये रहा, ये है जी क्लोजअप, ये देख रहे हो टंगड़ी, देख रहे हो ये वाली, ला 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 ला, वाह वाह। तो जल्दी से आप भी ये रेसिपी घर पे ट्राई करना और हमें जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज़।